रोटी खाएगा माँ सारा रोटी रोटी खाएगा सुबह खाया हाँ सुबह खा के आया धूप है गाँव है जो मिट्टी की चट्टान के ऊपर बना हुआ है। मिट्टी के घर बने हुए हैं भाई छोटे छोटे और इनके लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं यहाँ। हेलो पूरे गांव में ऐसे हेडपंप लगा रखे हैं और कुछ ऐसी होती है भाई गांव में ये दुकान। ये है यहाँ पे छोटी सी नदी जो कि यहाँ आसपास के सभी खेतों में पानी देने के लिए यूज की जाती है। इस घर के ऊपर बम ब्लास्ट किया गया था, पूरा घर अंदर से फट चुका है। हिंदुस्तान में कंचा बोलता, क्या बोलता? कंचा बोलता। टिकटॉक देख रहे हैं सभी बैठ के एक मोबाइल में चारों। पाकिस्तान मारूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हेलो गाइस, वसुदेव कुटुंबकम, मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ कुंदूज सिटी। कुंदूज सिटी जो अफगानिस्तान में तजिकिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ती है और आज है मेरा यहाँ पे तीसरा दिन। मेरे साथ आज फिर से जाहिद भाई। ये सुबह सुबह भाई देखो लड़कियाँ स्कूल से आ रही है। कौन कहता है कि अफगानिस्तान में स्कूल नहीं चलते? अफगानिस्तान में स्कूल चल रहे हैं भाई, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। हेलो सलाम, मैं आपको दिखाने लाया था ये घर। इस घर के ऊपर बम ब्लास्ट किया गया था, पूरा घर अंदर से फट चुका है। थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। घर की छत पूरी काली हो रखी है, काली हो रखी है मतलब जब बम ब्लास्ट हुआ था और अंदर आग लगी थी तो पूरे घर में आग लग के धुआं जमा हुआ है। यहाँ का किनारे देखिए आप, ये खिड़की वगैरह सब कुछ फट चुका है। इधर ये दीवार वगैरह कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे है। कहीं ना कहीं आपको थोड़े थोड़े ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। छोटी सी बच्ची रो रही है। हेलो क्या हुआ, क्या हुआ? बाय बाय। ऐसे बहुत सारी मेमोरीज है भाई आज भी अफगानिस्तान में जो आपको दिखाई देगी। और इस घर का ओनर यहाँ नहीं है, घर लोग हैं अंदर से, अदरवाइज मैं तो अंदर भी चला जाता, दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद है। और बच्चे स्कूलों से आ रहे हैं, देख के हंस रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सलाम मैम। सलाम। हेलो सलाम। सलाम, क्या बात है? बढ़िया, आप कैसे हो? ओह आई फाइन थैंक्स। ये बम गिरा था इसके? ओह या बम बम या। हेलो सलाम। पाकिस्तान मारूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कुंदूज के अंदर लगभग 100 से ज्यादा मॉस्क है और यहाँ पे जो लोग हैं वो लगभग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। सामने कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। हे सलाम 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 सलाम। क्या पढ़ रहे हो? हिंदी आता? बोले हिंदी। चिमे खोनी? कुरान करीम। कुरान करीम, कुरान करीम किताबा। तो भाई यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं और लिखना सीख रहे हैं कि कैसे लिखते हैं उर्दू। ये उर्दू लिखी हुई है, जैसे भाई उर्दू लिख रहा है। और ये है भाई एक लड़कियों का स्कूल, माहिन दोस्त इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस। मेडिकल स्कूल है, लड़कियों के लिए स्पेशल। यहाँ पे लड़कियों के स्कूल अलग होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है बाहर से लड़कियों का स्कूल। अंदर मैं जा नहीं सकता और लड़कियों की वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता पूरे अफगानिस्तान में, तो बाहर से आप लोगों को दिखा दिया बस। और अभी मैं चल रहा हूँ एक सुनसान टाइप के एरिया में अफगानिस्तान के, जो पूरा गांव की तरह दिखेगा, जैसे पुराने घर है, मिट्टी के घर है और आसपास में कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह नहीं दिखेगी। क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि सिटी से बाहर निकल के कैसा यहाँ का माहौल है, कैसे लोग बिहेव करते हैं। यहाँ पे लोग कबूतर वगैरह भी बेचते हैं भाई। कितने ज़्यादा टाइप के कबूतर है भाई, ऐसा वाला कबूतर तो मैंने इंडिया में देखा है, ऐसे नहीं देखे, वाइट। और ये चाचा जी तो भाई कबूतरों के पिंजरे के अंदर ही बैठे हैं। हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक कबूतर बेच रहे हो? हिंदी आता? हिंदी मालूम? हिंदी नहीं वाला। तो भाई चाचा जी कबूतरों के अंदर घुस के बैठे हैं, हिंदी तो नहीं बोल पाते लेकिन अच्छा है। एदा ना गुड। नहीं नहीं, हिंदुस्तान सलाम सलाम। तर्जुमान है कि तू चितोरास? हां, व्हाट इज योर कबूतर? कबूतर कबूतर। ओके सलाम। देश मार दो कोई मोचाकार बते रखे। मुंबई इंडियन सस्ती, दिल्ली दिल्ली। हां दीपक चाहर अच्छी में तो नहीं। दीपक और यहाँ पे कुछ बच्चे भाई कंचा खेल रहे हैं। का काम रहता है। ओके आई प्ले।
بیا ما کال پلی میکنیم چرا میشرمی بیا بوست چلا بازی کنیم بیا 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 بون دیگه خوش بوست بله سلام جونسی چرا در مدیدی بابا در مدیدی چرا قبل شروع بازی میکنیم آه خور خور بیا بیا نیک نیک اوکی گیو می تو ابھی ہم کنچے کھیلیں گے بھائی ऐसे ही कुछ बच्चे कंचा खेल रहे थे भाई और बचपन में मैंने ही बहुत कंचा खेले हैं तो मैं बोला चलो भाई आज खेलते हैं अफगानिस्तान में कंचे खेलते हैं अभी मैं आ गया हूँ छोटे से विलेज टाइप के एरिया में भाई और यहाँ सामने से पूरे कुदूस सिटी का व्यू दिखता है इधर छोटी सी मस्जिद है इधर छोटे से गांव में घर है छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए पुराने घर है तो उधर सामने बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं बच्चे सभी हमारी तरफ आ रहे हैं हेलो सलाम 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 वालेकुम हे मैन सलाम हिंदी किसको आता हिंदी किसको मालूम नन ऑफ देम उर्दू आता नो हाँ अफगानी आता अफगानी हमको नहीं आता अफगानी आता हमको अफगानी नहीं आता तो सभी बच्चे ऐसे चारों तरफ से देख रहे हैं भाई स्कूल जाता स्कूल नहीं तुम जाता हाँ सिक्स क्लास नाइस मैन नाइस इनको हम हिंदुस्तान में कंचा बोलता क्या बोलता कंचा बोलता और यहाँ गांव में हर जगह मिट्टी के घर बने हुए हैं भाई छोटे छोटे और इनके लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं यहाँ छोटी छोटी गलियाँ अंदर की तरफ मिट्टी की दीवारें बनी हुई है हर जगह ये देखिए आप ये सब कुछ मिट्टी की दीवारें है सब कुछ मिट्टी है और यहाँ गांव में पानी के लिए हम तो इसको नलके बोलते हैं लेकिन इनको हैडपम्प बोल सकते हैं आप पानी के लिए पूरे गाँव में ऐसे हैडपम्प लगा रखे है सलाम और ये गांव है जो मिट्टी की चट्टान के ऊपर बना हुआ है हेलो वैसे ही अलकायदा नो आई डोंट नो लड़के अलकायदा अलकायदा कुछ चिल्ला रही थी मैं कुछ अलकायदा जैसा दिख रहा हूँ क्या भाई और ये गांव जैसे मिट्टी की चट्टान पे बना हुआ है तो आप ऊपर ऊपर देखिए सामने जैसे वो मिट्टी के ऊपर घर बना हुआ है और हम लोग जा रहे हैं नीचे गाँव में ज्यादा लोग नहीं दिख रहे मुझे बाहर बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं हेलो पबजी मैं पबजी में पबजी की ज्यादा पबजी नहीं टिकटॉक रोय में कंदा के दिया टिकटॉक यू वाचिंग टिकटॉक डांस भाई टिकटॉक देख रहे हैं सभी बैठ के एक मोबाइल में चारों क्या गांव में एक छोटी सी दुकान है भाई ग्रोसरी स्टोर छोटा सा ग्रोसरी स्टोर गांव में जो भी भाई नीड होती है लोगों को वो सब मिल जाता है यहाँ पे बिस्किट छोटी छोटी चीज़ें नमकीन वगैरह बच्चों के लिए और ऐसी कुछ कच्ची गलियाँ यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है छोटी सी नदी बना रखी है तो ये पानी यहाँ आसपास के ज़मीन में खेती करने के लिए यूज किया जाता है हेलो हेलो अभी हम लोग आ गए हैं अफगानिस्तान के खेतों की तरफ दूर दूर तक लोग ज़मीन पे खेती कर रहे हैं और इधर एक भाईजान बैठे हुए हैं ये है यहाँ पे छोटी सी नदी इस गांव के अंदर से होके जाती है उधर से कहीं से आती है और उधर चली जाती है जो कि यहाँ आसपास के सभी खेतों में पानी देने के लिए यूज़ की जाती है खैर ये नहीं सोचा था मैंने कि यहाँ पर गाँव में नदी भी मिल जाएगी सलाम कैसे हो हिंदी आता हिंदी नहीं हिंदी रे वरना दर में they say that we can't speak hindi or urdu or english हिंदुस्तान पे हां हां सही सान इंग्लिश कोलवा करो खेती खेती करो खेती सब कुछ दिखा ना से खपने मैं भी इंडिया में खेती करता अच्छा ये ट्रैक्टर है
हिंदुस्तान ट्रैक्टर है, हिंदुस्तान ट्रैक्टर अच्छा हाँ अच्छा है, अच्छा ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। ये सामने एक भाई ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। अच्छा खूब सर। They are asking when did you come from India? Kazakhstan, Uzbekistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Afghanistan, Musafir, Musafir, yeah, Gandum, Gandum mein karega, Gehun, like roti, roti, Gandum mein karem roti, roti, machine, machine, माँ रोटी खाएगा मासरा रोटी रोटी खाएगा सुबह खाया हाँ सुबह खा के आया हाँ धूप है हाँ कोई बात नहीं। अभी हमें भाई जान भाई अपने घर लेके जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे साथ कि मैं एक अफगानिस्तान के गांव के घर में जाने वाला हूँ। और भाई जैसे हमारे गांव में हमारे खेतों के रास्ते हैं ना, ऐसे यहाँ के रास्ते हैं भाई। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इन चीज़ों को देखकर। देखिए हम अपने गांव में भी ऐसे ही चलते हैं, छोटे से कच्चे से इतने से रास्ते पे चलते हैं हम अपने गांव में खेतों में। मम्मी तो वीडियो देख रही हो तो बोलोगी मुझे पक्का कि हाँ यही घूम लेता, अपने गाँव में घूम लेता भाई, इतनी दूर गाँव में घूम रहा है। और यहाँ पे गेहूँ की खेती की जा रही है अभी। अभी तो हमारे हरियाणा पंजाब की साइड भी गेहूँ की खेती की जा रही है। और ये है सामने गाँव इस मिट्टी की चट्टानों के ऊपर। और कुछ ऐसी होती है भाई गांव में दुकान, ग्रोसरी स्टोर, परचून की दुकान, थोड़ा सा सामान वगैरह बेचते हैं लोग। और ये है भाई का घर। ये छोटा सा भाई पूरे दिन हमारे साथ घूम रहा है, तो ये मेरा बनता है भाई थोड़ा सा भाई की हेल्प करना। क्योंकि ये भाई पूरे टाइम से हमारे साथ खेतों वगैरह में घूम रहा है, तो ये मेरा थोड़ा सा बनता है भाई की हेल्प करना। हेलो हेलो सलाम सलाम, व्हाट्स योर नेम, नाम okay. तो ये है भाई का घर सामने। तो ये है भाई का घर, घर के पास में साइड में मिट्टी की चट्टान है एक। तशकोर। और अफगानिस्तान की मेहमान नवाजी सच में काफ़ी फेमस है भाई। और यहाँ के जो मेहमान नवाजी के लिए जो स्पेशल गेस्ट रूम बनाए होते हैं काफ़ी स्पेशल होते हैं। ऐसे कुछ रूम होते हैं और ये कालीन होते हैं ज़मीनों में बिछाए हुए, गद्दे होते हैं जिनको यहाँ पे तुशिक बोलते हैं, और ये पिलो होते हैं। और अफगानिस्तान में लोग सोने के लिए, खाने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, कारपेट बिछा के इन्हीं के ऊपर सोते हैं और इन्हीं के ऊपर खाते हैं। तशकोर तशकोर तशकोर। धन्यवाद फॉर द चाय। तशक्कुर मेरे बखातर चाय। काबुलिशनेस। ही सेड यू आर वेलकम। सो व्हाट ही डू फॉर लिविंग? ओनली फार्मिंग? बले। ओनली किसान? ओनली फार्मर। ओनली फार्मर। या। देयर इज नो जॉब इन अफगानिस्तान। फॉर एजुकेटेड पर्सन वी हैव। ओके। तो भाई जो है बस खेती करते हैं और खेती से अपना घर चलाते हैं। अफगानिस्तान के लोगों का आप दिल देख सकते हो कितना बड़ा होता है। ये लोग ज्यादा अमीर नहीं है, इनके पास ज्यादा बिजनेस नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी चीज़ होती है इन लोगों के लिए। मेहमान, आई एम गोइंग टू से थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी। आई सेड फॉर हिम या मैं अम्मा असावी वक़ाल तशक्री में इकने मज़ मेहमान नवाजी तन बखैर वशी जिंदा वशी। यू आर वेलकम। आई सेड यू आर ऑलवेज एज अ गेस्ट फॉर अस। तो भाई ने काफ़ी कुछ मंगवा दिया है भाई, अंडे और ये सब्जी है, ये नान है। मैंने बहुत मना किया था कि नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, लेकिन भाई ने बोला कि हम अपने मेहमानों को ऐसे नहीं जाने दे सकते। यू नो आई एम अनेबल टू स्पीक। या व्हाट यू वांट टू से? आई एम आउट ऑफ माय माइंड व्हाट टू से मैन आफ्टर दिस ऑल। व्हाई यू आर आफ्टर आउट ऑफ योर माइंड? सी समथिंग स्पेशल फॉर मी इट्स लाइक इमोशन मैन। Your motor car? Yeah. Agar me khoyim bubaram atan. No. We go. Yeah.
तो ये है भाई का घर भाई। यहाँ पे ये लोग खाना वगैरह बनाते हैं, जो अपना इंडिया में जैसे चूल्हा होता है ऐसा ही चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनाते हैं। ये लकड़ियाँ वगैरह है, तो उधर इन्होंने चारा रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा मिलके, धन्यवाद। अगर मैं दोबारा आया अफगानिस्तान तो मिलने जरूर आऊँगा। इफ आई कम अगेन दोबारा आ अफगानिस्तान आत्मा दीदान तन में आया चला। अभी भाई के घर से तो हम बाहर आ गए हैं और इसी गांव में है, ऐसा कुछ दिखता है पीछे से गांव। बहुत सारी बातें हुई भाई से, रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत हो रही थी, तो हमारे जाहिद भाई हमें काफ़ी कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे, हम लोगों के बीच में बात करवा रहे थे। तो भाई बस किसान हैं, खेती के अलावा कुछ नहीं करते हैं, और उन्होंने बताया कि लाइक प्रॉब्लम क्या क्या होती है इस टाइम। अगर वे मार्केट में बीज वगैरह खरीदने जाते हैं तो उनको महंगा खरीदना पड़ता है, लेकिन जब अपनी सब्जियों को बेचने के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है तो वो सस्ती बिकती है, तो गुजारा करना मुश्किल है। खेती के अलावा भाई कुछ नहीं करते। खेती होने के बाद जो भी सब्जियां वो बनाते हैं वो खुद जाके बेचते हैं मार्केट में, सरकार को नहीं बेचते। यहाँ पे सरकार को तो बहुत कम लोग चीज़ें बेचते हैं। यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है भाई, अगर आप एक बार अफगानिस्तान ट्रैवल करने आओगे तो यहाँ की मेहमान नवाजी को देखने के बाद आप ये कहोगे कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ यार, तुम पागल हो जाओगे भाई यहाँ के की लाइक इतनी मेहमान नवाजी कहाँ होती है, किस देश में होती है। यहाँ के गाँव देखिए आप, इधर छोटे छोटे घर है, इधर मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं, ऊपर भी मिट्टी के घर वगैरह बना रखे हैं। हेलो वैन, यू अगेन, सलाम, यू गुड? ये भाई हमें पीछे मिला था तो हमने बोला कि आप हमारे साथ क्यों नहीं आए, तो बोला भाई मेरे पापा ने मुझे बुला लिया था इसलिए मैं नहीं आ पाया। अफगानिस्तान के झंडे पे जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है वो कलीमा लिखा हुआ होता है। कलीमा का मतलब कि अल्लाह एक है, मोहम्मद इज़ अ पैसेंजर ऑफ अल्लाह, कुछ ऐसा मीनिंग होता है इस झंडे का। अभी हम लोग आ गए वापस सिटी की तरफ भाई, और भाई के कमरे पे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जाहिद भाई का कमरा थोड़ा ज़मीन के नीचे है, कोई बात नहीं। Welcome. How are you? I'm good. How are you? How do you feel? Yeah. It's very good. Okay. You sleeping? Yes.